कॉनिचीवा, हरिओम, राधे राधे। आज मैं हो गया 11 मंथ्स का और आज मेरा हो रहा है बेबी शूट। आज मैं बना हूँ बेबी गर्ल अपने 11 मंथ्स के बर्थडे पर। वायु, हैप्पी बर्थडे वायु। इसको डॉल पसंद आ रही है। हैप्पी बर्थडे बेबी। गाइस, वायु का 11 मंथ बर्थडे फोटो शूट हो चुका है। इसके बाद वायु ने कर ली नीनी और वायु जा रहा है अपनी बुआ के घर। यहाँ ये आंटी मिली और उन्होंने पूछा है कि लड़की है कि लड़का, आपको क्या लग रहा है, लड़की है लड़का? मुझे पता नहीं। अब पता चला तो मैंने इनको बताया कि ये लड़का है, मैंने लड़की बनाया है इसे। तो गाइस, वायु आ चुका है अपनी बुआ के घर और देखिए आराम से सो रहा है। एक्चुअली रास्ते में ही सो गया था। सी लड़की सो रहा है और ये देखिए फैमिली ट्री। इस ट्री में बस वायु की कमी है। वायु के मम्मी पापा। ये फैमिली ट्री बना हुआ है वायु की बुआ के घर और इस फैमिली ट्री में वायु की कमी है, उसको भी हम बहुत जल्द लगाएंगे। हाँ, अब इस टेडी बियर के साथ चलेगा वायु का शूट। वायु छोटी सी बच्ची, वायु लुक 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 लुक। वो अपनी बुआ के घर से आ चुका था और अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज आ रहे हैं वायु के मामा और वायु के मामा के लिए बन रहा है स्पेशल बाटी चोखा। देखिए वायु उधर। और आज एक प्रथा, एक रीत भी होगी, रिवाज भी होगी, जब भी हमारे साइड बच्चे का दांत निकलता है पहली बार तो उसका जो मामा होता है उसको नहीं देखता है, एक रिवाज के साथ देखता है। तो आपको एक वो रीति रिवाज भी देखने के लिए मिलेगी कि वायु के मामा स्पेशली वायु डॉल के साथ, इसी डॉल को मार रहा था। कुछ खा गया है तो चलिए वेट कर रहे हैं वायु के मामा का। के मामा है, इन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है और वायु को खिलाएंगे चावल दही के साथ जो कि आता है नानी के घर से। ये आइए गलसिया चम्मच, ये खिला के। चीनी है दही में? हाँ, शायद मीठा है। मीठा नहीं होगा शायद। तो चलिए, होती है सेरे बनी। पकड़ो वायु, वो खाएगा दही से बनाने। पांच बार बेटा सुंदर से बना, वायु देखे बात से आके बनाओ। दो बार तो ये पांच बार खिलाते हैं। दो हो गया, तीन हो गया। ये दांत निकलने से ये बात की रस्म होती है। उधर से बनाओगे तो सुंदर आएगा, तो आ रहा है इसे। तीन, चार, एक लास्ट बचा है पांच। तो पांच बार मामा खिलाता है दही बाहर। अब फिर मामा देखेगा वायु को दांत निकलने के बाद। ये पानी पिएगा। अब देख लेगो बब्बू, ये दांत निकलने की बात की रस्म है। अब देखेगा मामा अपने भांजे को। ये देखिए घर क्या चमचमा रहा है लाइट से। वायु, हाँ लाइटनिंग दिवाली पर ही लगाई थी, अब वायु के बर्थडे तक लगी रहेगी। तो गाइस, वायु की राइस सेरेमनी हो गई है। उसके बाद वायु फिर से आया है अपनी बुआ के घर। क्यों आया? शादी का कार्ड देने, क्योंकि वायु की मौसी की है शादी। बड़ी मशक्कत करके वायु के मामा ने वायु को पहना दिया। क्या दिखा वायु कैसा? इधर है, इधर वायु किचन लग रही है। आ जाओ इधर है। ये जबरदस्त था, बुआ के घर लग चुका है नाश्ता। ये है साबूदाने और पकौड़े, ये वाला रसगुल्ला बहुत पसंद है। वायु अपनी शैतानी रो रहा है। और देव, मामी फिर से आ गई।
घर आ गए हम फिर से बुआ हेलो तो अभी आउज केक आ गया इसका। हाँ हाँ चलिए केक दिखाते हैं सबको। तो वायु अब जा रहा है, वायु कर रहा था परेशान इसलिए मेरा नाश्ता आ गया यहीं पर, जिसमें देखिए ये है। दीदी क्या है ये वाला ब्रेड पकौड़ा? लेकिन इसमें अच्छा मुझे कुछ साबूदाने जैसा भी दिख रहा था, वो भी डाला था? नहीं ब्रेड रोल है ये, प्लेन ब्रेड रोल। ये मेरा बचपन से ही फेवरेट था ये वाला रसगुल्ला। हाँ और ये है मैंचाउ सूप। वायु बुआ ने फिर से मंगवा दिया है केक 11 मंथ्स का। ओ बच गया, बैक कैमरा करके दिखाते हैं। ये है वायु का 11 मंथ्स केक। इसमें दीदी इसने मंथ नहीं लिखा, सिर्फ 11 है ना मंथ का। हैप्पी 11 मंथ्स, 11 लिटिल वायु। हाँ लिटिल वायु, वाह वाह अच्छा है, वेरी नाइस। अरे भाई ये बॉय का केक है, आपको गर्लिस फीलिंग आ रही है? ही इज 11 मंथ बेबी ना। यस चलो बहुत प्यारा केक है। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच फॉर द लवली केक। अरे अभी कहाँ बोला है, तो एक साल में आएंगे 110 के हम ग्रैंड हैप्पी बर्थडे में। ग्रैंड हैप्पी बर्थडे, ग्रैंड हैप्पी बर्थडे में। तो आज वायु हो गया 11 मंथ्स का, नाउ इट्स टाइम टू गो। देव आपने यार गिटार बजा के तो दिखाया नहीं, मुझे नहीं दिखाना था। गंदा बच्चा, चलिए नेक्स्ट टाइम अपने चैनल पे। तो देव का भी चैनल बना हुआ है। गई जबरदस्त बाटी, बन गई बाटी माँ देखो। ये इसमें बनाइए नीचे, जलाइए भैया, अच्छी लग रही है। ये हमारे पड़ोसी धनिया वाले भैया, ये जल रही है लाइट घर में मस्त जबरदस्त। कैसा लग रहा है अभी बता दो बाटी? क्या बाटी अभी अच्छा नहीं लग रहा, नया आलू। हाँ हाँ आलू लग रहे हैं। हाँ इन्होंने गीला कर दिया था इसको। अच्छा आटा बहुत गीला था, ये बाटी एक्सपर्ट है। ले लो ये दिवाली की डेकोरेशन है, और ये डेकोरेशन रहेगी वायु के बर्थडे तक, आगे भी हो रही है पूरे बर्थडे है। केक कटवा के जाइएगा, आ गया केक अंदर रख दो भैया। शानी बस एक मिनट शानू। बाहर वायु क्या भैया, ये दिवाली की लाइट्स जो कि अभी भी लगी हुई हैं, क्योंकि वायु के बर्थडे तक लगी रहेगी। हाँ तो देखिएगा ये है जबरदस्त सा चोखा, इसको खाते हैं बाटी के साथ। और ये है दाल, भाभी जरा दाल के ये उठाइए, जरा दिखाते हैं ऑडियंस को ये किसकी दाल है, अरहर की। तो एक बात और बताइए कि बाटी के साथ अरहर की दाल खाते हैं या कुछ और भी? ये जबरदस्त थोड़ी सी चना और अरहर मिक्स होगी, मिक्स। तो ये जबरदस्ती दाल हमारी तैयार है, चलो केक कटिंग करने हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वायु, हैप्पी बर्थडे टू यू। वायु आप 11 मंथ के हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी। इधर दिखाओ सामने, सामने दिखाओ। हाँ शानवी के मामा लाए, शानवी के लिए डॉल। ओ उगर गई भैया, मैच देख रहे हो क्या? मैच आ रहा है क्या भैया? अच्छा यहाँ हो रही है डिनर की तैयारी, और भाभी क्या कर रही हूँ? ये वाला बाटी को घी में डिपो रही है। देखा आपने वायु का 11 मंथ्स बर्थडे हो चुका है। वायु के पापा, तो वायु का 11 मंथ्स बर्थडे हो चुका है कंप्लीट, वही घर में छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लिया था। और हाँ आज वायु के मामा आए थे, आप सब लोग मिल चुके, और कल मैं जा रही हूँ अपने घर वायु की मौसी की शादी में। और कल से आपको मिलेंगे वायु की मौसी की शादी के बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग। वीडियो को करूँगी यही एंड, और आपसे कर लेती हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन। शेयर करने के बाद क्वेश्चन मैंने चूज कर लिया है। क्वेश्चन ये है कि वायु के मामा शानवी के मामा आए थे, तो शानवी के लिए एक डॉल लेकर आए थे, वो डॉल किस कलर की है? फटाफट से उस डॉल का कलर कमेंट सेक्शन में बताइए, और जीत लीजिए गिव अवे का गिफ्ट।
11 मंथ एंड 12 मंथ सिर्फ दो ही चांस आपके पास बचे हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उस डॉल का कलर एग्जैक्ट भी ना पता हो, मिलता जुलता भी बताएंगे तो चलेगा। वीडियो को करूंगी एंड मिलूंगी कल फिर से एक न्यू और मजेदार ब्लॉग के साथ। बाय बाय।